हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री सुपर स्टार। फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जैसे कि हम शुगर केन पढ़ रहे थे, तो ये शुगर केन का पार्ट टू है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये कहता है कि मटेरियल यूज्ड फॉर सोइंग, जिस मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, इज नोन एज, जैसे सीड पीसेस और सेट्स। जैसे हम प्लांट के केस में, जैसे बाकी क्रॉप्स हैं उसमें हम ग्रेन सीड यूज बोलते हैं ना, तो सीडलिंग्स बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं। तो इसमें हम सीड पीसेस और सेट्स, वैसे तो जनरली सेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द केन इज़ गुड फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए कितना पोर्शन आपका केन इज़ गुड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए 1/3 टू हाफ पोर्शन, आधा या आधे, 1/3। ठीक है, एक तिहाई आधा। कंपेरेटिवली इमेच्योर एंड हाई ग्लूकोज कंटेंट, इमेच्योर होगा दोस्तों, उसमें सेल्स जो होंगे वो अभी अपने सही डिविजन फेज में होंगे, है ना। पुराना होगा तो सेल्स भी ये पुरानी होंगे, इसीलिए इमेच्योर लेते हैं। 1/3 टू हाफ पोर्शन लेते हैं, और टॉप का हमेशा लेते हैं। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सीड रेट ऑफ शुगर केन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन बड होनी चाहिए उसमें, तीन आँखें होनी चाहिए, ठीक है, शुगर केन में। और 35,000 से 40,000 सेट्स, अगर 1 हेक्टेयर में हम ले रहे हैं, तो 35,000 से 40,000, 30,000 to 40,000, और जो कि मिलता है हमें 75 to 80 क्विंटल ऑफ केन से। ठीक है, ये भी आ सकता है कि कितना आपका केन चाहिए। 75 to 80 क्विंटल केन चाहिए हमको 35 to 40,000 सेट्स बनाने के लिए 1 हेक्टेयर में, तीन बड वाले। कहीं कहीं दो बड भी लेते हैं, तो वैसे जनरली तीन बड ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट शुड बी ट्रीटेड विद, अब उसमें फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ वगैरह ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, 0.5% सॉल्यूशन ऑफ एगल और एरिटेन हम ट्रीट कर देते हैं सेट्स को, ताकि उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो सीड्स में। तो इसलिए 0.5% सॉल्यूशन ऑफ एगल और एरिटेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये याद रखना, एगल एंड एरिटेन। नेक्स्ट है हमारे ऑटम प्लांटिंग। ऑटम प्लांटिंग हम करते हैं अक्टूबर में, नॉर्थ इंडिया के जो यूपी एरिया है उसमें हम अक्टूबर में करते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो ऑटम प्लांटिंग होती है। नेक्स्ट है अधसाली प्लांटिंग। अधसाली प्लांटिंग जो होती है वो जून जुलाई में स्टार्ट होती है, और ये चलती है 15 से 18 महीने, मतलब 1 साल 6 महीने तक चलती है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग कर देते हैं। कॉमनली ये महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में। तो अधसाली कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर एक साली या स्प्रिंग प्लांटिंग भी कहते हैं इसको, ये नॉर्थ इंडिया में होती है और जनवरी फरवरी में स्टार्ट होती है, और 1 ईयर का टाइम इसमें लगता है, उसके बाद इसके हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं, और कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब प्लांटिंग मेथड्स, शुगर केन में कितने प्लांटिंग, वैसे तो 4-5 होते हैं, पर हम जनरली जो है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब मीन्स जो हमें अगर बेचना है माल, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैट प्लांटिंग, फरो मेथड एंड ट्रेंच मेथड। ठीक है, एक रिंग मेथड भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जनरली फ्लैट, फरो एंड ट्रेंच, ये बात याद रखेंगे। अब फ्लैट प्लांटिंग क्या होती है, मतलब प्लांटेड शैलो, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता, 8 to 10 सेंटीमीटर डीप लेते हैं फरोज में, और 75 to 90 डिस्टेंस में, मतलब एक फरो की दूसरी फरो से कितने डिस्टेंस होती है, 75 to 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है, और ये जनरली नॉर्थ इंडिया में प्लांटिंग मेथड, फ्लैट प्लांटिंग। और फरो वाला, फरो इन हैवी सॉइल्स 10 to 15 डीप लेते हैं नॉर्थ इंडिया में, और 20 सेंटीमीटर डीप इन साउथ इंडिया। तो देखो, अब 10 to 15 डीप सॉइल्स, अब जो डीप हैवी सॉइल्स हैं, जहाँ पे आपका जो रूट पेनिट्रेशन में दिक्कत आएगी ना हैवी सॉइल्स में, तो इसलिए इसमें ज़्यादा 10 to 15 सेंटीमीटर लेते हैं, और साउथ में जो है वो हैवी सॉइल्स नहीं है, 20 सेंटीमीटर लेते हैं वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेंच मेथड, फॉलोड इन टॉल ग्रोइंग केन एरियाज सच एज कोस्टल एरियाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉजिंग। तो कोस्ट ये आता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कोस्टल एरियाज में कौन सा हम मेथड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रेंच मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा शुगर केन इज़ अ हैवी फीडर क्रॉप, हैवी फीडर, ज़्यादा इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्योंकि ये लगता भी तो 1.5 महीना है इसमें, अधसाली वाले में 1.5 महीने लगता है, एक साली में 1 साल लग जाता है, तो इसलिए हैवी फीडर बन जाता है ये। अब ये देखो, आप फ्लैट मेथड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला इसमें जो ये शैलो होता है 10 सेंटीमीटर तक, और फरो की फरो से डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमें 75 to 90, जैसे मैं बताया था फ्लैट में, और ये देखो फरो में ही लगा देते हैं, और ट्रेंच में क्या करते हैं, दो एक साथ डालते हैं। देखो गौर से, आप जूम करके देखूँ, जैसे कि ये देखो
ये आपने देख रहे हो, ये जो है दो एक साथ डाले हुए हैं, तो यही है ट्रेंच मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग राइपनिंग स्टेजेस। अगर हम हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन राइपनिंग के स्टेज में डाल रहे हैं तो क्या होगा कि सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा मैच्योर केन में, इसलिए हमें हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन राइपनिंग स्टेज में नहीं डालनी है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो सुक्रोज कंटेंट है वो मैच्योर केन में कम हो जाएगा, मीठा कम होगा शुगर केन। एनपीके रेशियो कितना है, 120 to 150 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फोरस एंड 60 kg पोटेशियम पर हेक्टेयर डालते हैं दोस्तों, ये जिसका रेशियो एनपीके का। नेक्स्ट है द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल है तो उसमें हम अमोनियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल सॉइल में अमोनियम सल्फेट, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल है तो बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है, यूरिया। अब यूरिया का भी आपको पता ही होगा, यूरिया तो जनरली सही मतलब सबको पता होता है इसके बारे में, तो ये भी आप कमेंट करके बताइए मुझे। द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन एसिडिक सॉइल इज, एसिडिक में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी बताएंगे। ये इस बार AFO में 2019 में पूछा था कि कैन में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमोनियम सल्फेट हम नॉर्मल में डालते हैं, सलाइन में हम यूरिया डालते हैं, एसिडिक में हम कैन डालते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, सलाइन में हम यूरिया, एसिडिक में हम कैन, और नॉर्मल में हम अमोनियम सल्फेट डालते हैं। फिर आता है हमारा इरिगेशन फेजेस। ठीक है, चार इरिगेशन फेज होती है, जर्मिनेशन फेज 0 to 60 days आफ्टर प्लांटिंग, तो ये 2 महीने तक चलती है जर्मिनेशन फेज। सपोज आपने जून जुलाई में जैसे लगाया तो जून जुलाई अगस्त अगस्त तक चलेगी जर्मिनेशन फेज। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव फेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है इरीगेशन के टर्म्स में, जहाँ पे 60 to 130 days आफ्टर प्लांटिंग, यहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा चाहिए होता है पानी शुगर केन को। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रांड ग्रोथ फेज, 130 to 250, एक 5-10 दिन ही आगे पीछे वेरी करेगा, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। ठीक है, 130 to 250 days आफ्टर प्लांटिंग। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, 250 to 360 days आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इसमें फरो मेथड, वही फरो बना के और फिर फरो में इरिगेट कर देते हैं पूरी। ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर शुगर कंटेंट बिकम्स, शुगर सुक्रोज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बिकम्स पुअर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और लाइट की वजह से, एंड क्वान्टिटी ऑफ प्रोड्यूस बिकम पुअर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सही है, ये जो इरीगेशन देखो, जर्मिनेशन है 0 to 60, इरीगेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इस फेज़ में, टिलरिंग और ये जो इसका फॉर्मेटिव फेज फॉर्मेशन हो रहा है 60 to 150 या 160 days तक। उसके बाद ये होता है हमारा ग्रांड ग्रोथ फेज, 160 to 240, उसके बाद आता है राइपनिंग या मैच्योरिंग वाला 250 to 360 days। तो इस सबसे ज़्यादा कब चाहिए, टिलरिंग या फॉर्मेटिव फेज में इरीगेशन, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। ये याद याद रखना आप कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ शुगर इरीगेशन इन शुगर केन इज फॉर्मेटिव फेज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रेटोनिंग इज डन इन, किस में रेटोनिंग, रेटोनिंग का मतलब है कि एक क्रॉप के बाद हम उसको काट के फिर से दोबारा वही क्रॉप है और उसको हमने काटा और फिर से दोबारा वही क्रॉप ले रहे हैं, और एक ही बार करनी चाहिए, ज़्यादा बार नहीं करना चाहिए, शुगर केन में ही करते हैं रेटोनिंग प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेटोनिंग इज डन इन शुगर केन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स रेटून क्रॉप शुड बी टेकन, कितने बार, इज इट इज इकोनॉमिकल टू टेक ओनली वन रेटून क्रॉप। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि एक ही रिटर्न क्रॉप इकोनॉमिकल होता है, फिर वो इतना यील्ड नहीं दे पाता है अगर आप बार बार लेंगे तो। नेक्स्ट है इन रिटर्न क्रॉप मोर और लेस नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू प्लांटेड क्रॉप, तो ऑब्वियस ही बात है 20% मोर नाइट्रोजन, रिटर्न क्रॉप में 20% मोर नाइट्रोजन, जैसे आपने 140 to 160 kg नाइट्रोजन डाला NPK रेशियो में। ठीक है, तो इसमें 160 to 1 मतलब आप 140 डाल लो तो उसका 20% मोर। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन, आर्टिफिशियल राइपनिंग पोलारिस ग्लाइफोसिन एट द रेट ऑफ 5 kg AI पर हेक्टेयर एट मैच्योरिटी। ठीक है, पोलारिस या ग्लाइफोसिन कितना, 5 kg पर हेक्टेयर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।